दिल्ली की तिहाड़ जेल से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर निकले अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे तो अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें दोनों नेताओं ने बीजेपी की करारी हार की भविष्यवाणी कर दी। पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है 400 पार। इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है। 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं। 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने लखनऊ आए। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने फिर सीएम योगी को लेकर ऐसा बयान दिया जो चर्चा में है। जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मुझ मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी का सीएम बदलने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों एक और दावा किया था। केजरीवाल के मुताबिक 75 साल के होते ही प्रधानमंत्री मोदी भी राजनीति से किनारा कर लेंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। ये बात केजरीवाल ने फिर लखनऊ में दोहराई। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे, नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था। मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं उसे बीजेपी का टॉप ऑर्डर बार बार नकार रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ 2024 में बल्कि 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं देश में, इतना सीरियसली मत लीजिए, सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं। 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है। बीजेपी पूरी मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल के आरोपों को लगातार नकार रही है, बावजूद इसके केजरीवाल अपने ट्रैक से पीछे हटने को तैयार नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।